राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का बुधवार को राजस्थान में दसवां दिन रहा। बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर के भड़ौती से शुरू होकर राहुल गांधी की यात्रा का शाम को दौसा में समापन होगा। वहीं राहुल गांधी की यात्रा के दौसा पहुंचने से पहले एक बड़ी घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दौसा जिले मुख्यालय पर सड़कों के किनारे और पुलिया के नीचे कई जगह पर राहुल गांधी गो बैक के नारे लिखे गए हैं। बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा के रूट में आने वाली दीवारों पर काले अक्षरों में राहुल गांधी गो बैक लिखा गया है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा अलग अलग तरीकों से चर्चा का विषय बनी हुई है। इसका कारण यह भी है कि यात्रा के टेंट में आग लगाने की कोशिश की गई थी, जिसकी चर्चा हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दौसा शहर में दीवारों पर राहुल गांधी गो बैक के नारे भी अब चर्चा का विषय है। इसके अलावा MP पुलिस की राजस्थान पुलिस को दी गई चेतावनी भी लगातार चर्चा में रही है। अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि दरअसल इस पूरी खबर में मामला क्या निकल कर आया है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच दौसा शहर में राहुल गांधी गो बैक के नारे लिखे मिले। शहर के आगरा रोड और लालसोट ओवरब्रिज पर यह स्लोगन लिखा गया था। नारों में काले अक्षरों में जितेंद्र मेघवाल, कार्तिक भील, इंद्र मेघवाल और ओम प्रकाश रैगर को न्याय देने की अपील की गई थी। प्रशासन को जैसे ही इन स्लोगन्स के बारे में जानकारी मिली, उनके हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में इन स्लोगन्स को मिटाया गया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दीवार पर ये स्लोगन किसने लिखे थे। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि भीम आर्मी की ओर से हो सकता हो राहुल गांधी के खिलाफ ये नारे लिखवाए गए हों। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के टेंट में आग लगाने का प्रयास भी चर्चा का विषय रहा था। सवाई माधोपुर के बामनवास में सोमवार देर रात 10 से 15 लोग भारत जोड़ो यात्रा के टेंट में गोवंश छोड़कर आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गोवंश देखा तो उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, तभी उस आरोपी ने आग लगा दी। कार्यकर्ता ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पीछा कर चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस के नेता ज्ञानचंद मीना ने मलराला डूंगर थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया। उन्होंने बताया कि करीब 12 बजे भारत जोड़ो यात्रा के लिए टोंड गांव में खाना बनवाया जा रहा था और इस दौरान टेंट में एक कार और 4-5 बाइक से 10-15 लोग आए। ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने गोवंश छोड़ दिया और फिर आग लगाने की साजिश की। इस दौरान एक कार्यकर्ता ने उनकी बातों को सुन लिया। और वहीं राजस्थान के चुरू में भी विधानसभा सीट से विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें महिलाएं जबरन यात्रा में लाए जाने की बात कह रही थी। राजेंद्र राठौर ने वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार के लोग बसों में भरकर प्रदेश की महिलाओं को ला रहे हैं, ताकि युवराज राहुल गांधी जी की रैली को सफल बनाया जा सके। पर यह वीडियो भारत जोड़ो यात्रा की हकीकत स्वयं ही बयां कर रहा है, यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। भाजपा नेता ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के माहौल में रैली के नाम पर दूर दूर से महिलाओं को लेकर आना और फिर इस तरह के सैकड़ों महिलाओं की सुरक्षा को ताक पर रखकर उन्हें रात पर सड़क पर छोड़ना बेहद लापरवाही है। क्या कांग्रेस सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति यही जवाबदेही है? इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने राजस्थान पुलिस को जेब कतरों से सतर्क रहने के लिए आगाह कर दिया। MP पुलिस के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी चरण में आगर मालवा जिले में जेब कतरों ने लोगों को निशाना बनाया है और तकरीबन 10 से 15 जेब कतरों को पकड़ा भी गया है। इनमें से कुछ आरोपी राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिले के रहने वाले हैं। बता दें 4 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान के झालावाड़ जिले के चंबली में प्रवेश कर गई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पार करने के बाद सप्ताह भर का एक लंबा ब्रेक आएगा। 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक ये यात्रा रुकी रहेगी। यात्रा के ब्रेक वाले दिनों में राहुल गांधी लोकसभा जा सकते हैं। गौरतलब है कि लोगों को एकजुट करने और भाजपा और RSS द्वारा फैलाई जा रही नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़े होने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होगा। इस यात्रा में कुल 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।